चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी इस सेंटेंस को नेगेटिव में करना है, इसी को इंटरोगेटिव में और इसी को इंटरोगेटिव नेगेटिव में। अब देखिए पहली बात, शी वेंट फॉर अ वॉक लास्ट नाइट, वो पिछली रात वॉक के लिए गई, और ये है कौन सा सेंटेंस, ये वेंट से आप पहचाने, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ये सिंपल पास्ट का टेंस है। कौन सा है? और सिंपल पास्ट में आपको याद रखना होता है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म को जब देखते हैं आप, तो डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। सिंपल पास्ट में क्या लगता है, निगेटिव बनाने के लिए नॉट तो लगेगा, लेकिन उससे पहले डिड लगेगा। सिंपल प्रेजेंट होता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो डू या डज में से एक चीज़ लगती, क्लियर है? नॉट तो लगना ही लगना है, निगेटिव बनाना है तो। ओके, तो आप बताइए शी, इसके बाद वेंट तो हटना ही हटना है, इसकी जगह पे डिड नॉट आएगा, शी डिड नॉट, वेंट की सेकेंड फर्स्ट फॉर्म गो, शी डिड नॉट गो फॉर अ वॉक लास्ट नाइट, फॉर अ वॉक लास्ट नाइट, ठीक है, क्लियर हो गई बात, और डॉट लगा दिया, क्लियर। तो आपने देखा खाली वेंट की जगह पे हमने डिड नॉट गो करा है। अब इंट्रोगेटिव करना है, इंट्रोगेटिव का मतलब सवाल बनाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है, ना नंबर कट जाएंगे। तो आपने उसने कहा कि वो, मतलब यहाँ सेंटेंस, वो लास्ट नाइट वॉक पे गई थी, ठीक है, या गई, इंट्रोगेटिव में आप क्या बनाएंगे, वो कब वॉक पे गई, आप वेन लगा लिए, वेन डिड, जब भी इंट्रोगेटिव बनाना हो, सॉरी मेन क्वेश्चन वर्ड वाला नहीं, खाली इंट्रोगेटिव बनाना है, जब खाली इंट्रोगेटिव बनाना हो, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड वाला ना हो, तो यानी डिड को पहले ले आते हैं, डिड शी गो फॉर अ वॉक लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। अब आप कहेंगे सर इसमें आपने निगेटिव देख के डिड लगाए, नहीं, आपको ये याद रखना है, अगर आपने ये निगेटिव ना बनाया होता तब भी अगर आपको सेकेंड फॉर्म से इंट्रोगेटिव बनाना होता तो डिड से शुरुआत करते, किससे शुरुआत करते, डिड से, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। जब डिड से शुरुआत भी करेंगे, डिड शी गो फॉर अ वॉक, वेंट को गो कर लेंगे क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे फिर, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव बना रहेगा यानी डिड लगा रहेगा, और कहेंगे क्या वो वॉक पे नहीं गई, डिड शी नॉट, डिड शी नॉट गो फॉर अ वॉक लास्ट नाइट, ठीक है, डिड शी नॉट गो फॉर अ वॉक लास्ट नाइट। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिडेंट शी गो फॉर अ वॉक लास्ट नाइट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और नॉट को अगर आप शी सब्जेक्ट से पहले लाना चाह रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोबारा नॉट नहीं लगेगा लेकिन, ठीक है। एक सेंटेंस समझ में आ गया, अगला दें सही है भाई, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपने देखा वो इसमें ये सेंटेंस क्या कर रहा है, मैं जल्दी सुबह उठा या उठा था, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देखी तो आपको पता है नेगेटिव बनाना, तो आपको क्या सिर्फ चेंज क्या करना है, गॉट को क्या करना है, डिड नॉट गेट, और आगे पूरा सेम, डिड गॉट को हटा के डिड नॉट गेट किया, इससे पहले आई लिखा लिख दिया, आप अर्ली इन द मॉर्निंग ये पूरा लिख दिया, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाना है, सेकंड फॉर्म देखिए, डिड सबसे पहले लगेगा, फर्स्ट फॉर्म होती डू योर डज में सब एक चीज़ लगती, तो डिड लगा, डिड आई, फिर गॉट का गेट ही करना है, जैसे ही डिड लगा, यानी डिड था तो गेट हो गया था, वहाँ अभी भी डिड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, डिड आई नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब इसका आप कमेंट में बताइए क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अगर आप बता सकते हैं आगे आपको समझ तो ज़रूर बता पाएंगे।